वेलकम टू लाहौर, दिस इज मी फारूक हसन एंड यू आर वाचिंग सईद वर्सेस पाकिस्तान। आज हम आपको एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लिस्टिंग दिखाने जा रहे हैं और जो कि टॉप ऑफ द लाइन हाउस है DHFA 6 लाहौर का। और इस घर की जो डिमांड है वो 19.5 करोड़ है। प्राइस निगोशिएबल है, वन ऑफ द टॉप मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी हाउस करंट इन द मार्केट। और इस घर के अंदर टोटल 6 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, फुली फर्निश्ड है, इन हाउस सिनेमा है और इसकी जो एस्थेटिक सेंस है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आए हम आपको इसका टूर कराते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है वो फ्रंट एलिवेशन है और 60x90 जो है इसकी डायमेंशंस हैं और एक किनाल का स्टैंडर्ड प्लॉट है। तो आए हम आपको इसकी एंट्री पॉइंट्स दिखाते हैं। ये इसकी जो है वो डबल डोर एंट्री है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका गैरेज एरिया है। यहाँ पे आप इजीली जो है वो 4 गाड़ियाँ जो है वो पार्क कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर अगर मैं आपको वॉल दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि पूरा एक प्रॉपर फीचर वॉल्स को ट्रीट किया गया है। ट्रैवर्टीन टाइल इसमें इस्तेमाल की गई है, आर्टिफिशियल ग्रास भी इस्तेमाल की गई है और ग्रे टोन में, और आप देख सकते हैं कि वुड टोन में इसका
इसके फ्रंट एलिवेशन को ट्रीट किया गया है। अगर हम एलिवेशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन पैटर्न्स हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि ग्लास का भी इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह यह साथ ही हमारा जो है वो लैंडस्केपिंग जोन है और राइट साइड पर आप पूरी जो है वो लैंडस्केपिंग देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत पैटर्न पर लैंडस्केपिंग की गई है और यहाँ पर सारे जो है इम्पोर्टेड प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये जो है हमारा मेन एंट्री एरिया है और यहाँ पे डबल डोर एंट्री हमें मिलती है जो कि हमारा डबल हाइट लॉबी एरिया और मेन रिसेप्शन एरिया है। सो अगर हम फ्लोरिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पैटर्न जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, ह्यूज टाइल इस्तेमाल की गई है और डबल हाइट एरिया है, बहुत खूबसूरत फ्रंट चैंडलियर जो है वो ड्रॉप किया गया है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्लास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है जो कि चीज़ें आपको काफ़ी वाइड जो है वो नज़र आती हैं। इसके साथ ही जो है अगर हम वॉल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फैब्रिकेटेड वॉल्स हैं और इनका जो टेक्स्चर है वो बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ ही जो है ये हमारा जो है वो मेन ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें कलर कॉम्बिनेशंस कितने खूबसूरत हैं और कितने खूबसूरती से चीज़ों को ब्लेंड किया गया है। शैंडलियर के क्रिस्टल्स आप देख सकते हैं, बहुत एंटीक और डिफरेंट कस्टम शैंडलियर है। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो इंटीरियर की डेफिनेशन है वो कितनी ज़्यादा डिफाइन है, कलर कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं आप। और पीछे बहुत खूबसूरत जो है हमें एक विंडो दी गई है जहाँ पर जो है पूरी जो है हमें लैंडस्केपिंग जोन जो है नजर आता है। फ्लोरिंग्स की अगर हम बात करें तो फ्लोरिंग्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग्स इंस्टॉल की गई हैं। इसके साथ ही वॉल ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत इटालियन पेंट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और जिसके टेक्सचर्स और इसके ग्रेन्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। डाइनिंग एरिया जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एट पर्सनस की सिटिंग रखी गई है और शैंडलियर आप देख सकते हैं कि ड्राइंग और डाइनिंग का कितना आपस में सिंक कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम इसके टॉप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज स्टोन का टॉप यहाँ पे रखा गया है जो कि स्टोन मार्बल टॉप है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग्स कितनी ज़्यादा लग्जरी है। इसके साथ ही जो है मैं आपको इसका किचन एरिया दिखाऊंगा जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, तो आ जाए मेरे साथ। तो ड्राइंग रूम के साथ जो है आप देख सकते हैं कि ये हमारा किचन कनेक्ट किया गया है जो कि एक बहुत खूबसूरत प्लानिंग की गई है। यहाँ पे भी अगर हम टाइल्स देखें तो सेम पैटर्न्स की टाइल इस एरिया में चल रही हैं। इसी तरह हमारा इसके साथ ही जो है हमारा शेफ किचन है और शेफ किचन के अंदर भी सारी एसेसरीज जो है वो इंस्टॉल की गई हैं। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूवी पैटर्न्स की शीट इस्तेमाल की गई हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है अगर हम आएँ तो आपको दिखा सकते हैं कि इसका जो टॉप आइलैंड है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। कोरियन इसमें इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ ही अगर हम वॉल्स की बात करें तो बहुत 3D पैटर्न टाइल्स इसमें इस्तेमाल की गई हैं। इसके अंदर सारे बर्नर्स इंस्टॉल किए गए हैं। स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सारी जो मेन किचन के बर्नर्स हैं, बेकिंग आइटम्स हैं और डबल डोर फ्रिज जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसके सामने जो है वो हमारा लाउंज एरिया है और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि मेन हमारा बिल्कुल सामने जो है वो शोकेस किचन है और इसके मेन डोर में भी आप देख सकते हैं कि ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जो है अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल्स की बात करें, इसके अंदर जितनी भी वुड इस्तेमाल की गई है वो ऐश वुड है और आप देख सकते हैं कि प्लेसमेंट जो है वो फर्नीचर की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल सामने जो है हमारी मीडिया वॉल है, इसके नीचे हमें एक बहुत खूबसूरत जो है वो फायरप्लेस मिलती है। वॉल माउंटेड आप देख सकते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी को डिज़ाइन किया गया है, ग्लास का भी इस्तेमाल है। डार्क और लाइट कलर्स आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से जो है वो ब्लेंड किए गए हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ से आपको व्यू मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है आपको पूरा घर की एक्टिविटी का, क्योंकि ये आपका लाउंज एरिया है तो यहाँ से आपको किचन का भी व्यू नज़र आता है, यहाँ से आपको जो है डबल हाइट एरिया की भी एक्टिविटी नज़र आती है कि कौन फर्स्ट लेवल पे जा रहा है और कौन बेसमेंट में। तो इसके साथ ही जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर हमें दो बेडरूम्स मिलते हैं, एक हमारा मास्टर सुइट है और एक हमारा गेस्ट सुइट है। सो लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे पहले मैं आपको इसका गेस्ट सुइट दिखाने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें पिंक और बेज कलर को ब्लेंड किया गया है, बहुत खूबसूरत फिनिशिंग्स हैं। और अगर हम बेड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हाई ग्लॉस जो है फिनिशिंग्स के साथ यहाँ पर बेड को रखा गया है। इसके सामने जो है बिल्कुल हमें एक जो है वो पूरी एक मीडिया वॉल मिलती है और इसमें ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कि इसको बेड के साथ जो है वो कनेक्ट किया गया है ताकि आपको एक वाइब नजर आए। इसके साथ ही मैं आपको इसका मेन वॉशरूम दिखाने जा रहा हूं और ये इसके सामने मेन वॉशरूम है। राइट साइड पे हमें पूरी एक वॉक इन शॉवर एरिया दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रेन हेड शॉवर मिलता है, वॉल माउंटेड कमोड यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, ग्रोहे की एसेसरीज और फिक्स्चर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं।
तो अब हम आपको इसका जो है वो दूसरा जो है जो मेन मास्टर सुइट है वो दिखाने जा रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर वाकई है। और राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये इसकी मीडिया वॉल को टेम्परेरी ट्रीट किया गया है, वॉल पैनलिंग्स की गई हैं, बहुत खूबसूरत जो है इसका पेंट है। और इसी तरह अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंटिंग्स रखी गई हैं। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे हमारा पूरा जो है एक पूरा सेपरेट एरिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत फिनिशिंग्स के साथ, हाई ग्लॉस फिनिशिंग्स के साथ इसको बनाया गया है। इसी तरह बिल्कुल सामने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है वो सिटिंग प्लेस की गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत डार्क वाइब इसकी रखी गई है, फ्लोरिंग पैटर्न्स भी डार्क हैं। राइट साइड पर हमें जो है आप देख सकते हैं कि विंडो मिलती है, यहाँ से नेचुरल लाइट इस टाइम पर अंदर आ रही है। अगर हम बैक वॉल की बात करें तो बहुत डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ह्यूज बेड यहाँ पर रखा गया है, मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी पैटर्न्स हैं। और इसी तरह अगर हम इसके फैब्रिक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बेड कोर और फिनिशिंग के मटेरियल्स को जो है काफ़ी खूबसूरती से जो है वो ब्लेंड किया गया है। अगर हम साइड टेबल्स की बात करें तो बहुत डिफरेंट साइड टेबल्स हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत कस्टमली इसको डिज़ाइन किया गया है। राइट साइड पर हम इसको आपको मेन वॉशरूम दिखाना चाह रहे हैं, और अगर वॉशरूम की टाइल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको एक बेडरूम की वाइब नज़र आती है। और राइट साइड पर स्टेप अप करके जो है आपको जो एक शोकेस किया गया है जो कि आपका जकूजी एरिया है। इसके बिल्कुल सामने जो है हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। इसमें सारी मेन इक्विपमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही जो है अगर हम बात करें तो राइट साइड पे हमारी जो है शॉवर एरिया है, और इसमें भी आपको सारी ग्रोए की फिटिंग इंस्टॉल की गई हैं। बहुत खूबसूरत फैब्रिकेटेड आप देख सकते हैं कि बहुत कस्टमली इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसकी जो वैनिटी है बहुत खूबसूरत पैटर्न्स पे आप इसका ग्लास देख सकते हैं। जैसा कि अब हम आपको जो है इसके बेसमेंट की तरफ लेके चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज इस जो है इसके लॉबी को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। बहुत खूबसूरत पैटर्न जो है वो वॉल पे किए गए हैं, इसमें ग्लास का भी इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि रोप लाइट भी इस्तेमाल की गई है, तो बहुत खूबसूरत वाइब जो है इस पूरे एरिए के अगर हम आपको ऊपर से नीचे तक दिखाएँ तो पूरी एक आर्किटेक्चरल स्टेयरकेस जो है वो नज़र आती है। इसी तरह अगर हम जैसे ही इस लेवल की बात करें तो बिल्कुल नीचे आते ही आपको एक मेन शेल्फ किचन दिया गया है यहाँ पर, और उसके साथ एक स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे रखी गई है। इसी तरह एक क्योंकि बेसमेंट की एक्टिविटी है, बेसमेंट के अंदर आपको एक मेन मास्टर सुइट मिलता है, एक लाउंज एरिया है, इंडोर पैटियो है, और एक इन हाउस सिनेमा है। इसके अलावा जो है हमें सर्वन क्वार्टर जो है वो बैक साइड से एक्सेस दी गई है, और स्टोर एरिया यहाँ पे दिया गया है। तो बेसमेंट में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम फ्लोरिंग्स की गई हैं, और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमारा एक लाउंज एरिया है। इसके साथ ही अगर मैं आपको इसका एक मेन फीचर दिखाने जाऊँ तो ये हमारा इन हाउस सिनेमा है जो कि बेसमेंट के अंदर लोकेटेड है। सो अगर आप इसकी सीलिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें स्टार लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, वॉल पैनलिंग्स की गई हैं, साउंड प्रूफ इसको बनाया गया है, वॉल क्विल्टिंग्स हमें नज़र आ रही हैं, पैडिंग पूरी थ्रू आउट आपको जो है इस एरिया में नज़र आती है, डिक्लाइनर्स यहाँ पर रखे गए हैं, और यहाँ पर आप ईजिली बैठ के जो है 10 से 15 लोग जो है वो मूवी इंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका स्क्रीन है वो बिल्कुल आपके सामने है, और यहाँ पर प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम जो है वो फुली इक्विप्ड जो है वो इंस्टॉल किया गया है। साउंड सिस्टम जितना भी यहाँ इंस्टॉल किया गया है वो सारा यामाहा का है। इसके साथ ही अगर मैं आपको इसका जो है लाउंज एरिया दिखाऊं तो लेफ्ट साइड पे हमारा लाउंज एरिया है, और लाउंज एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे आप बैठ के अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ बैठ के चिलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सामने जो है हमारी एक फीचर वॉल जो है वो तैयार की गई है, और संकन एरिया भी है। नेचुरल लाइट का एलिमेंट यहाँ से खूबसूरती से आप देख सकते हैं कि डे लाइट यहाँ से एंट्री है। इसके साथ ही अगर हम इसके एम्बियंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत रिच एम्बियंस यहाँ पर रखा गया है, पिंक और बेज कलर को ब्लेंड किया गया है। बिल्कुल सामने हमारी मीडिया वॉल बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि फायरप्लेस है, और वॉल माउंटेड जो है पूरे एक फ्लोटिंग स्टोरेज एरिया जो है वो डिज़ाइन किया गया है। वॉल्स की बात करें तो बहुत ह्यूज जो है पूरे घर के अंदर टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, जिनके ग्रेन्स आप देख सकते हैं, जिनको बहुत खूबसूरती से जो है बुक मैच पैटर्न्स किया गया है। तो बेसमेंट में जो है ये हमारा एक कॉमन एरिया है, और बिल्कुल नीचे आते ही बिल्कुल साथ हमारा ये इंडोर पैटियो दिया गया है जो कि एक बहुत खूबसूरत प्लानिंग है, बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग है। राइट साइड के ऊपर जो है हमें स्टोर एरिया मिलता है, स्टोर है, और उसके साथ हमारा एक इन हाउस मेड रूम रखा गया है। इसके साथ ही अगर मैं आपको इसका मेन जो है मास्टर सुइट दिखाऊँ जो कि बहुत ह्यूज साइज का है, और आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत यहाँ पर वाइब है, और डार्क कलर में आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी बेड वॉल को जो है ट्रीट किया गया है, वॉल क्विल्टिंग्स
कटिंग्स की गई हैं, फैब्रिक जो है वो बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि फर्नीचर को और वॉल ट्रीटमेंट्स को पूरा एक बुक मैच किया गया है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत एक सोफा रखा गया है जो कि पॉप आउट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसके सामने अगर मैं फर्नीचर की डिटेल्स आपको दिखाऊं तो आप इसके पैटर्न्स देख सकते हैं कि कितने ज्यादा डिफाइन है, और यहाँ पे आप इसकी जो फिनिशिंग है वो आप आके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं आपको इसका मेन वॉशरूम दिखाने जाऊँ जो कि बहुत ह्यूज साइज का इसका जो है वो मास्टर वॉशरूम है, एंटी के बिल्कुल साथ ही जो है यहाँ पे एक आपको सिंगल वैनिटी दी गई है, इसके साथ आपकी दूसरी वैनिटी है। बीच में जो है आप देख सकते हैं कि एक फीचर एरिया डिजाइन किया गया है जो कि स्टेप अप करके जकूजी एरिया है। बिल्कुल सामने अगर हम डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत टाइल जो है वो बुक मैच की गई है, बहुत खूबसूरत चाइनर ड्रॉप किया गया है, ग्लास का भी इस्तेमाल है, सीलिंग जो है वो स्ट्रेट लाइन पैटर्न पे है। फ्लोरिंग्स की अगर हम बात करें तो आपको ए टू जी एक पैटर्न आपको पूरे एरिया में फ्लोरिंग का जो है वो नजर आ रहा है, कहीं पर भी आपको कोई डिवीजन नजर नहीं आती। तो ब्लैक और इस कलर को ब्लेंड किया गया है। राइट साइड पे हमारा कमोड एरिया है, इसके बिल्कुल सामने जो है एक सर्किन एरिया दिया गया है क्योंकि ये बेसमेंट है, और यहाँ पे जो है वो लाइट की और वेंटिलेशन की जो है एक्सेस दी गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट लेवल है, और अगर बैक साइड पे आपको दिखाऊं तो ये बेसमेंट ग्राउंड लेवल ये पूरी एक कनेक्टिविटी यहाँ पे नजर आती है। बहुत खूबसूरत जो है वो आर्किटेक्चरल स्टेयरकेस है, बहुत खूबसूरत चैनल यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। इसके बिल्कुल सामने ही जो है फर्स्ट लेवल के ऊपर हमें मेन तीन बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलती है। इन हाउस जो है इनडोर हमारा पैट्रियो है जो कि बहुत खूबसूरत है, और एक हमारा शेल्फ किचन दिया गया है। सो इससे पहले राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने जो है बहुत खूबसूरत जो है इनडोर पैट्रियो है, और आप देख सकते हैं कि इसको डे लाइट कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे बिल्कुल सामने प्राइवेसी भी है आपकी, और इस एरिया को आप बहुत खूबसूरती से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा मास्टर सुइट है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने जो है फ्रंट एलिवेशन के ऊपर ये लोकेटेड है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है कर्टन्स इंस्टॉल किए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं कि पूरी बेड वॉल के साथ पूरे फिक्स्चर्स के साथ ब्लेंड किया गया है। अगर हम इसकी बेड वॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत खूबसूरत इटालियन पेंट जो है इम्पोज किया गया है। वॉल्स बहुत डिफरेंट हैं, बहुत खूबसूरत पैटर्न्स हैं, बहुत ह्यूज साइज़ का हमें यहाँ पर जो है डार्क बेड नज़र आ रहा है। इसके साथ ही हमारी सिटिंग प्लेसमेंट्स की गई हैं, फ्लोरिंग्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। एक मज़े की चीज़ आपको दिखाऊं तो जो आपके पैटर्न्स यहाँ पे डिफाइन हुए हैं वही आपके फ्लोरिंग पैटर्न्स हैं, और ये छोटी छोटी डिटेल इसकी वाइब को बढ़ाती हैं। इसके साथ ही जो है ये हमारा मेन जो है वो वॉशरूम एरिया है। राइट साइड पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है, लाइट कलर्स यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, और आप ये देख सकते हैं कि इसके मिरर के पैटर्न्स कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत से जो है इसकी कटिंग की गई है। फ्लोटिंग वैनिटी की अगर हम बात करें तो कस्टम वैनिटी यहाँ पर इंस्टॉल की गई है जिसको कोरियन में बनाया गया है। इसी तरह अगर हम इसकी टाइल पैटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी स्पैनिश पैटर्न्स की जो टाइल है वो यहाँ पे लगाई गई हैं, और ये हमारा जकूजी एरिया है। राइट साइड पे जो है हमें शॉवर एरिया इंडिपेंडेंट मिलता है। तो इसके साथ ही ब्रिज के साथ जो है हमारे मेन लेवल की कनेक्टिविटी है, और राइट साइड के ऊपर हमारा जो है वो मेन लाउंज एरिया है, और इसकी जो वॉल ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। राइट साइड पे बिल्कुल फेसिंग जो है हमारा इंडो पैटियो है, सो लेफ्ट साइड पे भी हमें ग्लास दिया गया है। बहुत खूबसूरत जो है पैटर्न्स यहाँ पर टाइल के इंस्टॉल किए गए हैं, बहुत ह्यूज टाइल्स हैं, और बड़ी एक लग्जरी फील जो है आपको यहाँ पर मिलती है। सिटिंग प्लेसमेंट्स आपके सामने हैं, और इसके साथ ही जो है हमारा शेल्फ किचन दिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जितनी भी बेसिक सीरीज है वो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। राइट साइड पे एक हमारा एक और मेन बेडरूम है, और लेफ्ट साइड पे हमारा एक और मास्टर सुइट है जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है इस घर का फिफ्थ बेडरूम है, और आप देख सकते हैं कि इसको ब्लू और ग्रे कलर में ब्लेंड किया गया है। बहुत खूबसूरत जो है वॉल फीचर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। अगर हम वॉल पैनलिंग्स की बात करें तो बहुत खूबसूरत एक कॉन्टेम्प्रेरी पैटर्न आपको नजर आते हैं, और बड़े मिनिमलिस्टिक जो है चीजों को इंटीरियर को रखा गया है। फ्लोरिंग्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट की फ्लोरिंग जो है वो मैट में जो है वो इंस्टॉल की गई है। इसके साथ ही जो है हमारा मेन वॉशरूम है, और ये देखें अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है स्पैनिश टाइल्स इंस्टॉल की गई हैं जिसकी जो फिनिशिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफाइन है। इसके साथ ही जो है बे मेन एसेसरीज यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, ग्रोहे की यहाँ पर भी सारी मेन फिटिंग्स हैं, और राइट साइड पर एक ह्यूज है स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर रखी गई है। सो ये जो है राइट साइड पे हमारा जो है इलेक्ट्रिकल रूम है, या आप इसको स्टोरेज रूम रख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको इसका जो है वो लास्ट बेडरूम दिखाने जा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि इसका व्यू भी जो है वो कितना खूबसूरत है। पूरा इंडो पैटियो का व्यू जो है वो आपको यहाँ से विजिबल है, और यहाँ पर प्लांटर्स जो है वो रखे गए हैं, ओपन टू स्काई है। इसके अलावा अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खूबसूरत पैटर्न्स पे इसकी फिनिशिंग्स डिज़ाइन की गई हैं, ब्रास का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ह्यूज जो है वॉल क्विल्टिंग्स की गई हैं,
और इसके साथ ही एक सेटिंग प्लेसमेंट यहाँ पे रखी गई है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरती से चीज़ों को ब्लेंड किया गया है। इसके साथ ही अगर हम इसकी फ्लोरिंग्स की बात करें तो फ्लोरिंग्स भी जो है वो वुडन यहाँ पे रखी गई हैं। इसके साथ ही जो है अगर मैं आपको इसका मेन वॉशरूम दिखाऊँ तो खूबसूरती चीज बात इसमें यह है कि इसमें जो वेव पैटर्न हैं टाइल के बहुत ज़्यादा डिफाइन है और इनको बहुत खूबसूरती से अगर आप एक चीज़ देखें तो इनको हर पैटर्न को जो है वो बुक मैच यहाँ पे किया गया है। इसके राइट साइड पे जो है हमारा खूबसूरत स्टोरेज एरिया है, लेफ्ट साइड पे हमारी फ्लोटिंग वैरायटी है और अगर हम छोटे छोटे डिटेल्स देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत पैटर्न जो है यहाँ पे रखे गए हैं। इसके अलावा जितनी भी टाइल्स हैं वो स्पेनिश हैं, ग्रोहे की फिटिंग इस्तेमाल की गई हैं। तो ये था हमारा इस घर का लास्ट बेडरूम। सो उम्मीद है आपको इस घर का टूर पसंद आया होगा और इस तरह के अगर आप मजीद हाउसेज टूर्स देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लें और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें कि आप किस तरह के हाउसेज देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सो इस घर की डिटेल्स जो हैं, इस घर का जो प्लॉट साइज़ है वो 60x90 है, एक नाल का स्टैंडर्ड प्लॉट है, DHFA 6 जो है इसकी एक हाई एंड लोकेशन है और इस घर की में जो है टोटल जो लेवल्स हैं वो बेसमेंट है, ग्राउंड है और फर्स्ट लेवल है। इसके साथ ही जो है इसमें 6 बेडरूम्स हैं, फुली फर्निश्ड हाउस है। इसके अलावा इसमें 3 लाउंजेस हैं, इन हाउस सिनेमा है और इस तरह की ऑप्शन जो है वो आपको पूरे DHFA 6 में नहीं नज़र आएगी। सो अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और इस घर को विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।